फाइनली लियो का ट्रेलर आ चुका है, उसके लिए थैंक्स। जब से इसका ऑफिशियल अपडेट आया था कि जो है इसका ट्रेलर 5 अक्टूबर को आएगा, तब से हर कोई इसका लवर इस मूवी के बारे में जानना चाहता था। और भाई साहब इसका क्रेज देखो, सिर्फ 3 घंटे के अंदर 14 मिलियन व्यू। और अब जो ट्रेलर जो है ट्रेंड कर रहा है, और अब जहां नई नई टेक्निक नई नई अपडेट आ गई हैं यूट्यूब पर कि आप एक ही वीडियो को अलग अलग लैंग्वेज में जो है डाल सकते हैं, और इसको अलग अलग लैंग्वेज अगर यूट्यूब पर अपलोड किया जाता तो 3 घंटे में 15 क्या कम से कम 60-70 मिलियन व्यू आ चुके होते। एनीवे ऐसा इसलिए भी होगा क्योंकि इसकी जो राइट्स हैं वो अलग अलग कंपनी के पास हैं। लियो के जो हिंदी राइट्स हैं वो गोल्ड माइंस वालों के पास हैं, डिजिटल के जो राइट्स हैं वो नेटफ्लिक्स के पास हैं, और सैटेलाइट्स के जो राइट्स हैं वो सन टीवी के पास हैं, एंड ऑडियो को जो राइट्स हैं वो सोनी म्यूजिक के पास हैं। और अगर ऐसे में अगर बात करें तो लगभग ये मूवी जो है 401 करोड़ रुपए तो ऐसे ही कमा चुकी है रिलीज होने से पहले ही। एनीवे अगर हम बात करें ट्रेलर की तो ये ट्रेलर जो अब सबसे धांसू था। सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आपने लोकेश कनक राज की कैथी एंड विक्रम जैसी मूवी देखी है क्योंकि तो लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स से कनेक्टेड थी, तो वहीं उससे कनेक्टेड ये तीसरी मूवी होने वाली है। साथ ही आज के यंगेस्ट म्यूजिक इंडस्ट्री में छाए अनिरुद्ध इसका म्यूजिक देंगे, जिन्होंने विक्रम जवान एंड जेलर जैसी मूवी में धमाकेदार म्यूजिक दिया था। बात करें कास्ट की तो थलाइपति विजय के साथ संजय दत्त, अर्जुन सरजा एंड त्रिशा जैसी एक्ट्रेस भी देखने को इसमें मिलेंगी। और कहा जा रहा है कि इसमें कमल हसन की विक्रम सूर्या का कैमियो रोल भी देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इस मूवी की हाइप और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और हाँ, जो लियो का बजट है वो 250 से 300 करोड़ के बीच बताया जा रहा है, जिसमें कि 120 करोड़ रुपए जो है विजय की फीस बताई जा रही है। लेकिन बाद में कंफर्म हुआ कि विजय का जो है इसमें रेवेन्यू शेयर होगा। एंड भी ट्रेलर देखकर इसका ये तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें जो है बैक स्टोरी भी इन्वॉल्व है। इसमें हारोल्ड दास का यंगेस्ट वर्जन भी है ब्लू आंखों वाला, और थलापति विजय का भी एक यंगेस्ट वर्जन है हाथ में भाला लिए हुए। लेटर ऑन लियो की एक फैमिली भी होगी। जब बात फैमिली पर आती है तो हीरो भाई साहब हीरो है, और वो अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है। यहाँ लियो का ज़्यादातर मिड एज करेक्टर दिखाया जा रहा है, वहीं लास्ट में एक सीटी बजाते हुए एक यंगेस्ट वाला सीन भी है जो कि पीछे से दिखाया गया है, और जिसको बाद में रिवील भी किया गया है। मे बी इस मूवी की कहानी जो है 3 हिस्सों में बटेगी, एक उस करेक्टर की टीनेज वाली, दूसरी यंग एज वाली, एंड तीसरी जो होगी मिड एज वाली। ऊपर से इसके ट्रेलर की एक्शन देखो, जो कि इंडियन फिल्म की जो स्टाइल है उससे बिल्कुल यूनिक है। एक सीन दिखाया गया है जिसमें गाड़ी पलट रही है, जो कि आगे से कैमरे से इस तरीके से रिकॉर्ड किया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिनेमेटिक एंड कैची लग रहा है। हाइना का लड़ाई वाला सीन भी काफ़ी सिनेमेटिक लग रहा है, जिसे आप VFX एंड CIG का टॉप एंगल बोल सकते हैं। हालांकि ट्रेलर 2.5 मिनट का है, फिर भी इसमें ये रिवील नहीं किया गया है कि फिल्म की जो है कहानी क्या होगी। वैसे बता दूं, मूवी इसी महीने 19 अक्टूबर को आ रही है। वैसे आपको ट्रेलर कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो कर दीजिए लाइक एंड चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।